जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर ही से समझ लेता है, तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू आए खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हूं। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा और तेरा हाथ मुझ पर, ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। आए खुदावर, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरा गुनाह ना करूं। खुदाया तेरी रूठों मैं भला न सके किधर जाऊं
हंस के किधर जावां। खुदाया तेरी रूठों में भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी थों छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। हजूरी चढ़ जावा जयस माना देवत ओत है तू ही। क्योंकि
मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल उसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बांध रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छिपाना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। आए खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा हैं। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं। साथ गाइए मिलकर, आप जो खुदावन की परस्तिश में लगे हुए, आइए आप भी मेरे साथ खुदावन के लिए गाइए। खुदाया तेरी रूथों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी को छिपके मैं के
तूने मुझे जांच लिया और मेरे दिल को पहचान लिया, लेकिन अब आए खुदा मैं सिर्फ तेरे फजल से बचा, सिर्फ तेरे फजल की वजह से मैं रास्तबाज हूं। आए खुदा मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अब दीरा में ले चल। नहीं है सामने तेरे हनेरा घुप हनेरा भी, नहीं है सामने तेरे हनेरा घुप हनेरा भी, नहीं है सरे ग गरे ग मम खुदावन यीशु मसीह के नाम में पाक रूह की कुवत से तूने कहा है जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे हों मैं उनके बीच में, तूने कहा है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। तूने कहा है अगर तुम में से दो जमीन पर किसी बात पर मुत्तफिक हो और मेरे बाप से मांगे तो उनके लिए हो जाएगा। मैं इस वक्त इस भाई इस बहन इस खानदान के साथ तेरे सामने आता हूं खुदा, कुदूस खुदा तू इनकी मुश्किलात से वाकिफ है, खुदा तू इनकी खुशियों को भी जानता है मेरे बाप। कौन सी चीज है हमारे कालब में जो तुझसे छिपी हुई है? यहोवा मेरे बनाने वाले, यहोवा इनको सजाने वाले, यहोवा हमें खाक पे से उठाने वाले, यहोवा हमें यीशु के साथ आसमानों में बिठाने वाले खुदा, हम तेरी परस्तिश करते हैं,
तेरा शुक्र करते हैं यीशु के लहू के लिए, यीशु के लहू के लिए शुक्र करते हैं, यीशु के लहू को पुकारते हैं, यीशु के लहू को पुकारते हैं, खुदा बाप यीशु के लहू को पुकारते हैं, उस मसाशुदा मसीह के लहू को पुकारते हैं, मसीह के लहू को पुकारते हैं। और खुदावन इस भाई, इस बहन, इस बुजुर्ग, इस बच्चे, इस बीमार पर, इस जवान पर यीशु के नाम में मैं तेरा खून छिड़कता हूँ, और हर तरह की बीमारी को, हर तरह की तकलीफ को, हर तरह के दुख को यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, खुदावन यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे इन लोगों को, छोड़। और आज का दिन, आज की शाम, आज की सुबह, आज की दोपहर, आज की रात, ये यूं ही कहते रहें, खुदाया तेरी रूथों में भला नस के किधर जाऊं, यीशु के नाम में।